Hey guys, good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So, आज है 15 तारीख अक्टूबर के अभी 6 बजे सुबह सुबह. तो मैं अपना जस्ट मूड हो के अभी वॉक के लिए निकला हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे. इन हसीन वादियों, वो वाला गाना जो मुझे याद आ रहा है, ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमां. तो हाँ, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे. See the sky, I mean the color is so mesmerizing. Just see, it's just like cotton, you know. And you can see the valley out here, surrounded by the mountains, pine trees. Guys, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरे लेफ्ट की ओर, तो यहाँ पे छोटे छोटे घर मुझे दिखाई दे रहे हैं. शायद यहाँ पे गांव है, आई मीन गांव ही है यहाँ पे. आई मीन सांगती वैली है, बहुत ही खूबसूरत है. तो दिस इज़ द स्मॉल, सो दिस इज़ लाइक अ स्मॉल हैमलेट इन द वैली, यू नो. इट्स सो गुड टू सी सच अ टाइनी टाइनी, यू नो, अ क्यूट हाउस ओवर हियर. और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ऑरेंज के, देखो यहाँ पर भी है. ये सारे मतलब कॉर्नर कॉर्नर पर लगा के रखा है. डेकोरेशन भी हो जाता है, फिर फल भी लगता है. सीज़न नहीं है अभी, अगर सीज़न होता है तो कितना मतलब मस्त दिखता है यहाँ पे ऑरेंज कलर के. लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो सब पत्ते यहाँ पे. और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ये है यहाँ के मतलब मिर्च फार्म है, आई मीन चिल्ली का जो फार्म है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. तो जो भी खाए थे हम लोग कल रात को, जो भी लंच ब्रेकफास्ट हम लोग खाए थे, सब यहाँ से मिलते हैं. देखो मिर्च, सब मिर्ची है, लाल लाल मिर्ची, लोकल मिर्ची बहुत सारे, देखो जैसे कि आप देख सकते हैं. और यहाँ पे मतलब कीवी भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं. अगर आप लोगों ने कीवी का फार्म नहीं देखा है तो यू कैन सी दिस आर ऑल कीवी फार्म्स ओवर हियर. तो ये सब कीवी का फार्म है. अरुणाचल में बहुत फेमस है कीवी बाय द वे. चलो और आगे जाके देखते हैं आगे क्या है. अभी सनराइज़ भी नहीं निकला है. जब सनराइज़ निकलेगा तो ये पूरा मतलब यू नो वैली चमक जाएगा. लेट्स सी, लेट्स कीप वॉकिंग. और सुबह सुबह वॉक करना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, यू नो, कि मेरा एक रिचुअल बन गया है. तो मेरा दोस्त जो है वो थक गया है, तो वो सो रहा है अभी भी, वो अभी उठा नहीं है. और ट्रैवलिंग करते करते यू नो, देखो मेरा चेहरा यार बिगड़ गया है, बहुत सारे पिंपल्स निकल गया है. अगर आपके पास कोई टिप्स है और कुछ यू नो सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. और यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे कि आप सुन सकते हैं, बहुत मीठी मीठी आवाज़ें यहाँ पे निकल के आते हैं. बहुत सारा बर्ड्स है यहाँ पे. चलो लेट्स कीप वॉकिंग. तो यहाँ पे एक नदी है, नदी यहाँ पे बह रही है. देखो कितना मतलब सूदिंग है, आई मीन आवाज़ जो है नदी के, जब ये सुनते हैं ना बहुत ही सुकून सा महसूस होता है. तो मैं यहाँ पे आके पहुँचा हूँ. कल हम लोग यहाँ पे थे ट्री हाउस में, और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे वॉलनट के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वॉलनट नहीं है. चलो मैं आपको वॉक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा सीन है. तो ये सारे मतलब ग्रास है, आई थिंक इसको अभी अभी काटा है शायद, ये फ्रेश लग रहा है. और देखो ये सब वॉलनट्स के पेड़ है, मैंने कभी देखा नहीं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग ऑल दिस यू नो प्लांटेशंस ओवर हियर. देखो ये सारे मतलब वॉलनट्स है, कितना महंगा होता होगा वॉलनट्स भी. अभी दुर्गा पूजा का हॉलीडे चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स, ट्रैवलर्स, बहुत सारे मतलब आदमी, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पर भी बाइकर्स लोग है वहाँ पे, यहाँ पे ठहरा है कैंपिंग करके. और बहुत सारे मतलब लोग है, क्योंकि अभी पूजा का सीज़न है तो लोग आते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, कल रात को, कल हम लोग जहाँ पर ट्री हाउस पे रुके थे वो हम लोगों को 2500 चार्ज पड़े. और जो हम लोग अभी शिफ्ट किए थे उसका हमें लगा 2000. तो पता नहीं, आप डिसाइड करो महंगा है या सस्ता. तो यहाँ पे खुला ऐसे स्पेस है यहाँ पे वॉलनट के जो प्लांटेशन है. सो इट्स रियली नाइस टू जस्ट वॉक अराउंड एंड टेक अ स्ट्रॉल, यू नो, इट्स सो मेस्मराइजिंग.
आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप, यू नो, बहुत दिन से मैं चाहता था कि कहीं पे घूमने जाऊं। पता नहीं लॉकडाउन या फिर पैंडेमिक, ये सब शब्द सुन के मुझे तंग आ गया है। इसलिए बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कहीं पे घूमने जाऊं या फिर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड लेके आऊं। तो फाइनली आई एम हियर इन अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली दिरांग में तवांग के जो ट्रैवलर्स है या फिर टूरिस्ट है वहाँ पे रुकते, यहाँ पे रुकते, आई मीन दिरांग में। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक होल्ट, आई मीन प्लेस ऑन द वे टू तवांग। तो तवांग जाने के लिए बोमडिला या फिर दिरांग में यहाँ पे रुकते हैं ट्रैवलर्स और टूरिस्ट। तो इट्स अ होल प्लेस, आई मीन कभी कभी आदमी लोग भूल जाते हैं, मतलब स्किप कर देता है कि दिरांग को एक्सप्लोर नहीं करता है, सिर्फ तवांग सीधा चला जाता है। लेकिन गाइस अगर आप आते हैं तो दिरांग को भी एक्सप्लोर करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा जगह है यहाँ पे। आई मीन वेदर तो काफ़ी कमाल है, ना ठंड ज़्यादा है ना गर्मी ज़्यादा है, इट्स मॉडरेट, आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है यहाँ पे वेदर। और काफ़ी लोगों ने बोला है कि यहाँ के जो वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, तवांग से कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है मौसम, क्योंकि तवांग में जो है वो एक्सट्रीम ठंड पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए काफ़ी लोग ने बोला है कि दिरांग का जो मौसम है काफ़ी मतलब प्यारा है और बहुत ही सुंदर है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट मॉर्निंग वॉक इन सांगति वैली। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स, सजेशंस। आई वुड हाईली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स, यू नो गाइज। सो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड सो इफ यू वॉन्ट फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, यू कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल। सो आई जस्ट लिंक इट आउट हियर, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। सो दिस वॉज एंटायरली अबाउट अ गॉर्जियस मॉर्निंग वॉक in Sangti Valley. So I'll see you next time. Be fit, be healthy, and please take care and keep exploring and keep traveling. I'll see you next time. Bye bye.